सवाल में लिखा है कि एक्स तुम्हारे पास, एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। ठीक, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, जब सिक्के को 6 बार उछाला जा रहा है तो रैंडम वेरिएबल मेरे पास डिफाइंड है। ठीक, तो उसकी बस मुझे वैल्यूज़ बतानी है रैंडम वेरिएबल की, क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक्स यहाँ पर मेरे पास है नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। अच्छा, तो नंबर ऑफ हेड्स तुम्हारे पास कितने कितने आ सकते हैं। जैसे अगर तुम 6 बार अगर सिक्का उछालोगे तो हो सकता है एक भी बार हेड ना आए। ठीक, तो नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, जो वैल्यू रहेगी एक्स की उसे मैं टेबल में लिख लेता हूँ। जाहिर सी बात है अगर एक भी बार हेड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 6 बार टेल आया है, तो एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स हो जाएगी -6। ठीक, बस इसी प्रकार से ये अगर एक बार आया होगा तो जाहिर सी बात है 5 बार टेल आया है, 1 - 5 इज़ -4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से तुम तो इसको पूरा भर सकते हो। ठीक है, तो देयर फोर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर -6 -4 0 2 4 6। ठीक, अच्छा यहाँ पर और कुछ एज सच बताने लायक नहीं है। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला जा रहा है कि एक अर्न है, अर्न मतलब एक छोटा सा मटके जैसा तुम समझो, 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। दो बॉल्स को एट रैंडम ड्रॉ किया जा रहा है, अच्छा एक साथ 2 बॉल्स उठाई जा रही है। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि एक भी ब्लैक बॉल ना आए, हो सकता है कि एक ब्लैक बॉल आए या हो सकता है 2 ब्लैक बॉल्स आए। ठीक, तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हो सकता है होंगी 0 1 2 ऐसा। ठीक, बस ये तो डायरेक्टली है, इसमें कुछ ऐसा बात करने लायक ही नहीं है। कैसा सवाल है यार ये, है ना, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, इसमें है ना केसेस क्या क्या बनते हैं तुम्हारे पास, या तो नो ब्लैक बॉल, ओनली 1 ब्लैक बॉल। ठीक, या फिर 2 ब्लैक बॉल्स, इतने केसेस ही बन रहे हैं तुम्हारे पास। तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं है ना, वो लिख लिया अपन ने 0 1 2। ठीक, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब के बारे में कोई बातचीत नहीं की जा रही है। ठीक, अच्छा अगर इसी को थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करके, अगर ट्विस्ट इन द सेंस कि अगर इसमें एक पार्ट अगर मैं और जोड़ लूँ है ना, गिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तब तुम कैसे करते। तो वहाँ पर अपने पास एक्स इक्वल्स टू 0 है ना, मतलब कि भाई कोई ब्लैक बॉल अपन ने ड्रॉ की ही नहीं है ना, 2 ब्लैक बॉल्स अपन ने उठाई और कोई ब्लैक बॉल आई नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं अपने पास,
जो सैंपल स्पेस अपने पास बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे मेरे पास 7C2, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 7। तो उसमें से मैं दो बॉल्स अगर उठा रहा हूँ तो ये है ना नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7। ठीक, तो यही तो है भाई, 7 बॉल्स हैं तुम्हारे पास, उसमें से दो बॉल तुम उठा रहे हो, तो सारे पॉसिबल केसेस आ जाएंगे मेरे पास। उसमें हो सकता है 7C2 मुझे क्या क्या चीज़ें देगा, 7C2 मुझे देगा G1 है ना, ग्रीन है क्या, ब्लैक और रेड है, सॉरी, तो ब्लैक और रेड ऐसा ये आएगा मेरे पास B1R1 है ना, मतलब पहली ब्लैक बॉल और पहली रेड बॉल ऐसा। ठीक है, रेड बॉल्स कितनी है तुम्हारे पास, 5 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ना ऑफ टू बॉल्स, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। तुम्हारा सी ऑपरेटर के साथ क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है, इसीलिए मैं ये चीज़ें इन डेप्थ तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में 7C2 तुम्हें क्या देगा। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू बॉल्स पिक्ड एट वंस। अच्छा, वैल्यू की अभी अपने को परवाह नहीं है, 7C2 रहेगा, उसको इवेलुएट करना तो अपन जानते ही। नाउ ब्लैक बॉल्स अपन ने ली ही नहीं, तो उसमें कितने पॉसिबल केसेस होंगे तुम्हारे पास, इसका मतलब अपन 5 रेड बॉल्स में से 2 बॉल्स उठा रहे हैं, ठीक, पिकिंग 2 है ना, पिकिंग 2 बॉल्स फ्रॉम 5 रेड बॉल्स, ठीक। अच्छा, तो ये प्रॉब्लिटी रहेगी मेरे पास कोई भी ब्लैक बॉल नहीं आने की, ठीक, बहुत ही आसान है ये। नाउ इसी प्रकार सिमिलरली, इसका मतलब क्या एग्जैक्टली है ना, एक ब्लैक बॉल आ जाए अपने पास। अच्छा, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, नीचे सैंपल स्पेस का है ना अपने पास जो नंबर है वो तो अपने को बहुत अच्छे से पता है, ठीक, तो वो हो जाएगा मेरे पास 7C2। इसके बारे में तो ऑलरेडी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। नाउ ऊपर एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल आनी चाहिए, तो तुम क्या करो, 2 बॉल्स उठा रहे हो ना, तो 2 ब्लैक बॉल में से 1 ब्लैक बॉल अपन ने उठा ली, ठीक। अच्छा नहीं, तुम इसको ऐसा देखो, 1 ब्लैक बॉल यहाँ पर तो रहेगी, ये तो फिक्स है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, नहीं ठीक है, 1 ब्लैक बॉल तो रहेगी रहेगी, ये बात तो फिक्स है, उसके साथ बाकी और कितने तुम्हारे पास ऑप्शंस आएंगे है ना, ये आएंगे 5C1, ठीक भाई, 2 बॉल्स तुम उठा रहे हो है ना, ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है ऐसा, तो दूसरी बॉल जो तुम उठाओगे वो कैसी रहेगी, 5 रेड बॉल में से 1 रेड बॉल रहेगी वो, ठीक, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे दैट विल बी 5C1, ठीक। इतने तरीकों से तुम एग्जैक्टली है ना, अगर 2 बॉल्स उठाओगे तो उसमें 1 रेड बॉल रहेगी है ना और दूसरी ब्लैक बॉल रहेगी, ठीक। अच्छा मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि अगर सारी ब्लैक बॉल्स डिस्टिंक्ट हैं
तब मुझे एक्चुअल में यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा, मतलब जो दो ब्लैक बॉल्स है ना उसमें से एक ब्लैक बॉल मुझे पिक करनी पड़ेगी, ऐसा समझे। मतलब पहली जगह को भरने के लिए ना, अगर मतलब ब्लैक बॉल्स अगर डिस्टिंक्ट नहीं रहती तब तो ये 5C1 ही ठीक रहता, ठीक है क्या। पर मैंने ऐसा माना है कि भाई ब्लैक बॉल्स, दो ब्लैक बॉल्स अलग अलग हैं ना, और सारी की सारी रेड बॉल्स भी जो हैं वो भी अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ऑल रेड बॉल्स एंड ऑल ब्लैक बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। अच्छा, देन इन दैट केस, ये हो जाएगा 2C1 है ना, ठीक। ये ब्लैक, ये वाला हो गया रेड, ऐसा। अच्छा एक मिनट, इस पर मैं कुछ और सोच रहा था। क्या इस सवाल को पहले ख़त्म कर लेते हैं जैसे। अच्छा मतलब बोथ ब्लैक बॉल्स, तो उसमें नीचे तो तुम्हारा डिनोमिनेटर तो सेट है 7C2, दोनों ब्लैक बॉल्स को उठाने के कितने केसेस बनेंगे तुम्हारे पास? एक ही केस बनेगा है ना भाई, दो जगह है अपने पास और अपन ने दोनों जगहें ब्लैक बॉल से फिल कर दी, तो दोनों ब्लैक बॉल्स में दोनों ही उठा लो 2C2, ठीक है ना। अच्छा तो बस ये प्रोबेबिलिटीज बन जाती है मेरे पास, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से लिखोगे तुम, C2 बाय 7C2, 5C1, 2C1 बाय 7C2, 2C2 बाय 7C2। अच्छा इसमें एक चीज़ और सोच रहा था वैसे मैं, एक छोटा सा वेरिएशन और इसमें। मैं ये मानकर चल रहा हूँ, ध्यान रखना, कि ऑल रेड बॉल्स ब्लैक बॉल्स आर डिस्टिंक्ट। अच्छा
देखो, अगर तुम्हारे पास बॉल्स अगर डिस्टिंक्ट अगर नहीं है ना, मतलब इफ ऑल द रेड बॉल्स आर अलाइक, अगर सारी की सारी एक समान है, देन जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ब्लैक बॉल को उठाने की वो कितनी होगी? दैट विल बी, दो ब्लैक बॉल्स है ना, तो 2/7, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 7, और प्रोबेबिलिटी जो रहेगी रेड बॉल को उठाने की दैट विल बी 5/7। इसको लेट से मैं क्यू कह देता हूँ, इसको लेट्स से मैं पी कह देता हूँ, इसको क्यू कह देता हूँ, ऐसा। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो अपन ने ब्लैक बॉल उठाई ही नहीं, इसका मतलब क्या रहेगा? दोनों रेड बॉल्स हैं, रेड एंड देन ऑल्सो रेड, ऐसा। तो ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? क्यू स्क्वेयर दैट विल बी 2/7 का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक, सिमिलरली अगर एक्स इक्वल्स टू वन की अगर बात की जाए तो वो होगा कुछ ऐसा, रेड ब्लैक है ना, मतलब जैसे उसमें जो केसेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे भैया? तो रेड ब्लैक होगा या तो ब्लैक रेड होगा, दो जगहें अपने को करनी थी। ठीक, तो उसमें एक ब्लैक हो गया, ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे उसके, है कि नहीं? ऐसा। तो अब देखो वो हो जाएगा पी क्यू है ना, प्लस पी क्यू, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पी क्यू, दैट विल बी 2 टाइम्स 2/7, 5/7। अच्छा, सी ऑपरेटर एक बात ध्यान में रखना, सिमिलर चीज़ों पे, सेम आइडेंटिकल चीज़ों पे काम नहीं करता है ना। जो ऊपर जैसे जो चीज़ सॉल्व की गई है वो ये मानकर की गई है कि बॉल्स आर डिस्टिंक्ट है ना। नीचे तुमको यहाँ पर जिस तरीके से अभी सॉल्व हो रहा है, यानी सी ऑपरेटर क्यों नहीं चला सकते? लेट से अगर तुम्हारे पास पांच आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स हैं, पांच आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं और दो आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स हैं, सी ऑपरेटर का भूल के भी प्रयोग मत कर दियो। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू 2 में तुम्हारे पास आ जाएगा ब्लैक एंड देन अगेन ब्लैक, दैट विल बी इक्वल टू कितना? क्यू स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2/7 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार की बन जाएगी। टू बाय सेवन का स्क्वायर, अरे ये भी आर आर का, अच्छा 5/7 का स्क्वायर 2 टाइम्स 2/7, 5/7, 2/7 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अच्छा था, है ना? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम्हें निकालना है ऑफ एक्स, तो ये चीज़ बढ़िया थी। नो, अगले सवाल की तरफ आते हैं। उसमें देखो बोला जा रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, इस सवाल पर आने से पहले देखो, दूसरे जो मैं सवाल लेकर आया हूँ उसको पहले मैं एक्चुअल बनाना चाहूँगा,
अच्छा ठीक है, चलो खैर ये जो आसान है ये तो बहुत ही आसान है। इसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर है ना, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब पी एक्स को चेक करना है ना, चेक वेदर पी एक्स इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और नॉट है ना ऑफ एक्स, जाहिर सी बात है। ठीक है अच्छा, तो उसके लिए कंडीशन क्या रहती है तुम्हारे पास, बहुत ही सिंपल साधारण सी, सारी प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए है ना, और सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जो समीशन होना चाहिए वो बेसिकली 1 आना चाहिए, बस ये दो कंडीशंस। तो ये दोनों कंडीशंस तुम्हें हर छियों के छियों सब पार्ट्स में लिखनी पड़ेगी। एंड देन है ना, देखो फॉर ईच सब पार्ट तुम ये चीज़ ज़रूर लिखोगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल मस्ट सेटिस्फाई, पहली कंडीशन तो क्या कि सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज रहें वो पॉजिटिव रहें, 1 से छोटी रहें। दूसरी कंडीशन ये, सभी प्रॉपर्टीज का जो समीशन आएगा दैट विल बी 1। अच्छा तो ये दोनों कंडीशंस प्रॉपर्टी मास फंक्शन है ना, इसको ऐसा लिखते हैं ठीक, वेयर पी आई क्या है तुम्हारे पास, ऐसा ठीक। अच्छा तो यहां तुम देखो, पहले सब पार्ट के लिए पी वन पी टू पी थ्री कितना कितना है, 0.4, 0.4, 0.2 तो है ना, बट तुम यहां पर देख सकते हो सिग्मा पी आई बराबर 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, ये भी आ रहा है 1 के बराबर ही आ रहा है ना? ये होगी पहली कंडीशन, ये होगी दूसरी कंडीशन, फ्रॉम 1 एंड 2 कोई दिक्कत नहीं है, पी एक्स इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, ठीक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो सेकंड वाला जो सब पार्ट है उसमें देखो 0.1, 0.5, 0.2, उसमें ये वाली चीज़ देख रहे हो तुम, ये नेगेटिव हो गई है, प्रॉपर्टी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी। तो यहाँ देखो सेकंड सब पार्ट में, सभी सब पार्ट्स में तुमको ये चीज़ तो लिखनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना ना, ये सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा। अच्छा ये लिखने के बाद उसको देखो तुम, पी वन तुम्हारे पास कितना है, 1, 5, 2, 1, 2 पी थ्री उसमें आई थिंक, अच्छा पी क्या नेगेटिव है, अच्छा -0.1। तो यहाँ सिंस पी फोर इज नेगेटिव है ना, देयर फोर पी ऑफ एक्स does not satisfy
पी आई ग्रेटर देन ज़ीरो, आई बराबर 1 2 3 4, ये ऐसे ही लिखो। हर प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इट डज़ नॉट सेटिस्फाई पी आई ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक, इसको ऐसा लिख लेना है तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। है ना? देयरफोर हेंस पी एक्स इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक, अच्छा अगला सब पार्ट देखो। थर्ड, उसमें पी वन पी टू पी थ्री पॉइंट वन पॉइंट सिक्स और पॉइंट थ्री है। तो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। हियर सभी के सभी पी आई ज़ीरो से वन के बीच में लाई कर रहे हैं, एंड सिग्मा पी आई बराबर ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ फ्रॉम वन एंड टू पी ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ठीक है, अच्छा अगला सब पार्ट देखो। अगले सब पार्ट में थर्ड फोर्थ वाले में देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनपुट कैन बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट थ्री पॉइंट टू पॉइंट फोर देख लेते हैं, पॉइंट थ्री पॉइंट टू पॉइंट फोर फिर था एक ज़ीरो देन था पॉइंट ज़ीरो फाइव था, ये है तुम्हारा चौथा सब पार्ट। ये जो सारे के सारे पी आई हैं तो ज़ीरो से वन के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिग्मा पी आई कितना आ रहा है मेरे पास, पॉइंट थ्री पॉइंट टू पॉइंट फोर ज़ीरो प्लस पॉइंट ज़ीरो फाइव। अब मैं तो कैलसी लेकर बैठा हूँ, ठीक है, पॉइंट फाइव पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन फाइव विच इज़ नॉट इक्वल टू वन। ठीक, सिंस सिग्मा पी आई इज़ नॉट इक्वल टू वन, देयरफोर पी ऑफ एक्स इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ठीक, अच्छा अगला सब पार्ट देखते हैं। वैल्यूज है पॉइंट सिक्स पॉइंट वन पॉइंट टू, पॉइंट सेवन पॉइंट नाइन आएगा ये तो, है ना? यहाँ पर देखो सारे के सारे जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो ज़ीरो से वन के बीच में लाई कर रहे हैं, एंड सिग्मा पी आई कैसा है, पॉइंट सिक्स पॉइंट वन पॉइंट टू का समेशन आ जाएगा तुम्हारे पास पॉइंट नाइन, दिस इज़ नॉट वन। तो देयरफोर पी एक्स इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ठीक, अच्छा इसके बाद देखो छठा सब पार्ट।
0.3 सारे के सारे जितने भी PI हैं सबके सब पॉजिटिव हैं. ऑल्सो सिग्मा PI कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 0.7 प्लस 0.3 दैट इज 1. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 पी ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स. ठीक. अच्छा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाने के लिए बस अपने को प्रोबेबिलिटीज देखने की ज़रूरत है. ठीक है, सवाल को अगर मैं समराइज करूँ कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ, वाइल चेकिंग वेदर पी ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, वी नीड टू लुक एट ओनली द प्रोबेबिलिटीज ठीक है ना. सिंपली चेक वेदर पहला सिग्मा PI और दूसरा PI है ना, सारे के सारे 0 से 1 के बीच में है या नहीं. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक. अच्छा, इसमें बेसिकली तुम्हें चेक करना था कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है भी कि नहीं है. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता है ना. इसमें तुम्हें ये चेक करना था, प्रॉब्लम इज एक्चुअली आस्किंग वेदर द गिवन टेबल्स आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और नॉट. समझे ना? तो यहां पर अपन ने 6 के 6 सब केसेस को चेक करके देख लिया कि भाई कौन कौन से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ठीक है, जैसे 6th वाला केस आ रहा है, 5th वाला केस नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगले सवाल में पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइंस और फिर 4 टॉसेस. अरे बाप, तो 2 टॉस जब होंगे ठीक, तो सैंपल स्पेस देखो कैसा बनेगा. एक्स क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ हेड्स. अब अगर 2 टॉस हुए हैं तो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा तुम्हारे पास. देखो ध्यान से देखो, पहली जगह को भरने के लिए 2 और दूसरी जगह को भरने के लिए 2, या फिर मैं कहूँ पहली जगह को भरने के लिए 2C1, दूसरी जगह को भरने के लिए 2C1. हेड टेल्स में से एक सेलेक्ट किया, हेड टेल्स में से एक सेलेक्ट किया, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा, सैंपल पॉइंट्स बन जाएंगे मेरे पास 4. अच्छा, अभी अगर नंबर ऑफ हेड्स अगर मैं देखूं तो वो या तो आ सकता है 0, भाई 2 टॉसेस में एक भी बार हेड नहीं आया, या तो आ सकता है 1 या तो आ सकता है 2. अब देखो x इक्वल्स टू 0 की जो प्रोबेबिलिटी बैठेगी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स ठीक, तो वो कितनी रहेगी, प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी है तुम्हारे पास, ये हो गया हाफ, और इतनी ही प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास. इसको ऐसा लिखो पी, प्रोबेबिलिटी टेल आने की कितनी है अपने पास, दैट इज हाफ विच इज क्यू. तो कोई हेड आया ही नहीं, इसका मतलब क्या आ गया, टेल टेल ठीक है,
टेल टेल आ गया, इसका मतलब क्यू स्क्वायर ऐसा कुछ। ठीक है बात, तो दिस विल बी हाफ का स्क्वायर, दिस विल बी 1/4। नाउ एक्स इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है ना, 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड ऐसा लिखना चाहिए। अब देखो जो काउंटिंग वाला पार्ट है वो यहीं से सीखना शुरू करो। देखो जैसे तुम्हें दो जगहें भरनी है तो एक हेड आ रहा है, ठीक, एक हेड तो आ ही रहा है ये तो पक्की बात है, तो दूसरा कैसा दिखेगा भाई, जाहिर सी बात है टेल दिखेगा। अब इस टाइप के दो होंगे है ना, इस टाइप के दो होंगे ना, क्योंकि एक भाई शुरुआत में है ना, इसका रिवर्स कर दो ये ऐसा, समझ गए, तो ये चीज़ कैसी दिखने लगेगी, HT और TH ऐसा, तो ये कैसा हो जाएगा, PHT प्लस P, मैं अभी इतना एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली लिख दिया करूँगा, ठीक है आगे, तो ये कैसा हो जाएगा, PH PT यानी PQ प्लस QP दैट विल बी इक्वल टू 2 PQ दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ हाफ, तो ये चीज़ हो जाएगी कितनी, 1 सॉरी हाफ, ठीक। अच्छा उसके बाद देखो PX इक्वल्स टू 2, ज़्यादा नंबर ऑफ टॉसेस जब होंगे तब काउंटिंग में मज़ा आएगी, तो 2 हेड्स, ठीक है HH, तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, P² दैट विल बी इक्वल टू हाफ का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1/4। अच्छा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखेगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फोर हाफ फिर 1/4 है ना। अच्छा तो अभी देखो, अब 3 सिक्के कैसे उछाले जा रहे हैं, सब पार्ट सेकंड में देखो नंबर ऑफ टेल्स है एक्स सेमल्टेनियस कॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स को उछालने पर है ना कितने नंबर ऑफ टेल्स आ रहे हैं, ये अपना रैंडम वेरिएबल है। तो एक्स क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ टेल्स। अब देखो एक्स की जो वैल्यूज रहेंगी वो पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2, 3 ये सारी रहेंगी, ठीक। अच्छा अभी 3 सिक्के अगर उछाले गए तो ध्यान से देखोगे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 8। वो 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं ना ऐसा, पहले को भरने के 2 ऑप्शन, दूसरे को भरने के 2 ऑप्शन, तीसरे को भरने के 2 ऑप्शन, तो ये हो जाता है 2 की पावर 3 है ना पॉसिबल केसेस, ठीक। अच्छा तो ये हो जाता है 2³ दैट विल बी इक्वल टू 8। अभी देखो ध्यान से X इक्वल्स टू 0, ये कैसा सबसेट है, ये चीज़ कितनी आएगी, मतलब कोई भी टेल आए ही नहीं, सारे हेड आ गए, तो इसका एक ही पॉसिबल केस है HHH, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो कार्डिनल नंबर बनेगा यानी कितने केसेस हुए, 1, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है अपने पास X इक्वल्स टू 0 की, ये हो गया 1/8, ठीक ऐसा कुछ प्रॉपरली अगर लिखना चाहते हो तो। ठीक अच्छा अब देखो लेट्स से अपने को ये काउंट करना है, इसका मतलब एक टेल रहेगा तो बाकी दोनों हेड रहेंगे, तो अब इसमें देखो काउंटिंग की कैसे जाती है, एक टेल
और बाकी दोनों हेड, समझ गए? अब इसमें अलग अलग कितने पॉसिबल केसेस होंगे? जो ये टी है इसको अलग अलग तीन जगहों पर तुम घुमा सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि 3C1 से तुम क्या करो, एक पोजीशन चूज़ कर लो। ऐसा जैसे एक पोजीशन मैंने ये चूज़ कर ली, बाकी दोनों में तो हेड को ही बिठाना है, वो तो फिक्स है। ठीक, तो उसके एक एक तरीके से तुम दोनों हेड को बिठा दो। तो यहाँ देखो जो मैंने काम किया वो कैसे किया है, देखो जो काउंटिंग मैं कर रहा हूँ किस प्रकार से कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेलेक्टिंग अ पोजीशन, ठीक, फॉर फिक्सिंग टेल, ठीक है, देन फिक्सिंग हेड, वो तो बिठाना ही है मेरे को, ये क्या हो गया, फिक्सिंग अनदर हेड, समझ रहे हो? देखो काउंटिंग कैसे करते हैं, जैसे आप गधे समान अगर तुम इसको पूरा कर लिखोगे टी एच एच है ना, एच टी एच, और इस तरह की अगर तुमको लिखना है तब तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, लिखो फिर तो बिंदास। काउंटिंग कैसे करते हैं सी ऑपरेटर से, वो चीज़ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और बहुत ही धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, कोई ऐसा हड़बड़ी में नहीं। तो 3C1 से पहले तुम एक पोजीशन सेट कर लो, जैसे 3C1 तुमको क्या देगा, मान लेते हो उसने दिया तुमको तीसरी पोजीशन ये, फिर 3C1 एक बार क्या देगा तुमको, ये पोजीशन देगा, फिर एक बार 3C1 तुमको क्या देगा, ये पोजीशन देगा, ऐसा, समझ गए? तो 3C1 ने जैसे मान लेते तुमको तीसरी पोजीशन दी, तो वहाँ टेल फिक्स की मैंने, फिर बाकी दोनों जगहों पर एक एक तरीके से हेड बिठा दिया। हेड तो फिक्स हो गई होगा ना, बाकी दोनों पोजीशंस पर तो हेड फिक्स है, तो उसको बिठाने का एक ही तरीका होगा तुम्हारे पास, वो तो चीज़ें फिक्स है ना, फिक्स चीज़ को करने का एक ही तरीका रहता है। ठीक, बाकी जैसे 3C1 ने मेरे को यहाँ पर अगर टेल दिया रहता तो बाकी दोनों पोजीशंस पर मैं एक एक तरीके से हेड बिठा दिया रहता। 3C1 ने मान लेते मुझे यहाँ पर टेल दिया रहता तो बाकी दोनों पोजीशंस पर मैंने हेड बिठा दिया रहता एक एक तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से काउंटिंग की जाती है। ठीक, अच्छा, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा की हैं, ध्यान रखो। है ना, अभी जो मेरे पास नंबर ऑफ केसेस आएंगे वो कितने आएंगे, वो हो जाएगा 3C1। अच्छा, अभी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो देखो आ जाएगी मेरे पास, टी एच एच जैसे अगर लिखा हुआ है तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, टेल हेड हेड है ना, ऐसा, समझ गए? दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ऐसा, समझ रहे हो? ठीक है, इस चीज़ से यूज्ड होने में तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम अगला जब चैप्टर और अच्छे से कर लोगे, जब वो चैप्टर कर लोगे तब इस चीज़ में बहुत अच्छे से यूज्ड हो जाओगे। जैसे कि अब यहाँ देखो ये वाला सीन देखो, है ना, इसकी जब अपन काउंटिंग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, ये जो इवेंट है इसमें क्या रहेगा, देखो तुम्हारे पास दो टेल रहेंगी, ये ऐसा दो टेल रहेंगी तो एक हेड रहेगा इसमें, और बाकी अरेंजमेंट्स और कैसे किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार के होंगे, यहाँ पर तुम देखो एक हेड को, वही तीन अरेंजमेंट्स इसके भी होंगे पॉसिबल, एक हेड को ही तो घुमाना है ना, यहाँ हेड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ऐसा कुछ, तो ये तीन अरेंजमेंट्स है ना, तुम किस प्रकार से चेक कर सकते थे, देखो हेड के लिए ये कर लो 3C1, सेलेक्ट अ पोजीशन फॉर हेड, एंड देन फिर एक एक तरीकों से तुम बिठा दो, बाकी दोनों हेड्स को प्लेस कर दो, फिक्सिंग हेड, ठीक है, ऐसा, अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी तुम कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा 3C1 मल्टीप्लाइड बाय TTH, ठीक है, TTH, ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट
प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ऐसे दिस इज वॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, समझ गए। ये चीज लिखी हुई कैसी दिखाई देगी तुमको, ये ऐसे ही है ना, ये जो पूरा मसाला है ये है कैसा, टी टी एच या फिर टी एच टी या फिर एच टी टी, यही है ना ये। इसको जैसे ही तुम ओपन करोगे कैसा आएगा, पी टी टी एच प्लस पी टी एच टी प्लस पी एच टी टी, यही चीज़ आने वाली है यहाँ पर। अच्छा अभी अगर तुम देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ तो ये सारे के सारे तो सेम ही है ना, जैसे पी टी टी एच अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो वो चीज़ कितनी आएगी, 1/2 का स्क्वायर 1/2, समझ गए। और बाकी दोनों भी वैसे ही आने हैं, तो कितनी बार वो चीज़ आ रही है, 3 बार, 3C1, तो यही लिखा है यहाँ पर देखो, सेम चीज़, समझ गए ये कैसे काउंटिंग हो रही है। तो मेन ये चीज़ है कि काउंट करना कि कितने नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं, ठीक है क्या। द मेजर टास्क है ना विल बी टू काउंट द नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। अच्छा फिर हर केस की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी रहती है तो सेम ही रहती है, ठीक है क्या। दिस इज द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस, है ना, सेम सेम क्यों, क्योंकि यही चीज़ें लेटर्स ही तो आजू बाजू घूम रहे हैं, ये टी का भी इधर हो गया, टी का भी इधर हो गया, एच का भी इधर हो गया, है ना, ये आपस में ही आपस में घूम रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में ही है क्योंकि एंड एंड से जुड़े हुए हैं ये, तो इसीलिए सभी जो प्रॉबिलिटीज़ हैं हर केस की वो ये इसी के बराबर है, कितने नंबर ऑफ केसेस हैं वो मायने रखता है, इसको काउंट करना मायने रखता है, ठीक है। ठीक अच्छा x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये चीज हो जाएगी तीनों हेड आ गए तो तीनों हेड को चुनने का एक ही तरीका है, समझे ना, तीनों हेड को चुनने का एक ही तरीका है, 3C3 भी कह सकता हूँ उसको मैं, कि मतलब तीनों पोजीशन मैंने चुनी, तीनों तीन पोजीशन थी, तीनों की तीनों पोजीशन चुन ली मैंने और तीनों पे सॉरी टेल है ना, तीनों की तीनों पोजीशन चुन ली और तीनों पर टेल को फिक्स कर दिया ऐसा, देन उसके बाद टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसी, समझ गए। ये चीज़ अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, मतलब इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई है, जैसे यहाँ देखो इसका ये मतलब है टेल 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 ऐसा, समझ गए, ये चीज़ क्या हो जाएगी ये, ठीक है वही ये लिखा हुआ है ऐसा। 3C3 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है 3C3 इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि भाई कितने ऐसे केसेस बनेंगे टी 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 वाले, तो तीन पोजीशन मैंने चुनी, तीनों की तीनों भर दी ऐसा, ठीक आएगा 1 ही ना, 3C3 की वैल्यू आएगी 1 ही ऐसा। तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो गिनने में एक्चुअल में थोड़ा सा तुमको दम लगेगा, जैसे देखो अगर 4 टॉसेस होते हैं ना, अगला जो सब केस है तो देखो नंबर ऑफ हेड्स बोला जा रहा है, ठीक इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बना ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए तुमको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है वो कैसा दिखाई देगा, देखो जीरो का कितना आ रहा है भाई, 1/8, 1/8 फिर 3/8 है ना, फिर 3/8 अगेन, 2 बार 3/8 हो गया एंड देन फिर 1/8, इस प्रकार का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, दिस इज योर आंसर। अच्छा 4 टॉस जब होंगे तब देखो काउंटिंग में मज़ा आएगी तब, है ना, देखो मज़ा क्या आनी है, खैर वो भी बहुत ही सिंपल सा केस है, बहुत ही बहुत सिंपल सा केस है, ठीक देखोगे।
अगर चार केसेस होने हैं, चार टॉसेस होने हैं, एक्स क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ हेड्स है ना, तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा अभी देखो, एक्स अगर 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बैठेगी, कोई हेड आया ही नहीं, मतलब सारे के सारे टेल्स हैं, तो वो दैट इज़ नथिंग बट दिस, सारे के सारे टेल्स हैं, इसका मतलब क्यू की पावर 4, समझ गए। अच्छा एक एक हेड है, बाकी सारे टेल्स हैं, तो वो देखो उसमें नंबर ऑफ केसेस कैसे काउंट करोगे, ध्यान से देखना। ये हो गया ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, देखो हेड हो गया पी और टेल हो गया क्यू की पावर 3, पी क्या है अपने पास हाफ और क्यू क्या है हाफ। अच्छा अभी इसके नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, चार केसेस बनेंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि तुम चार पोजीशन में से एक पोजीशन सेलेक्ट करके, है ना, सेलेक्टिंग वन पोजीशन आउट ऑफ फोर एंड गिविंग इट टू हेड, है ना, ठीक है, चार पोजीशन में से एक पोजीशन सेलेक्ट करके मैं हेड को दे रहा हूँ, बाकी सारी टेल्स तो वहाँ पर ऑलरेडी फिक्स हैं, ऐसा ठीक है, ऐसा इतने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, दीज आर द नंबर ऑफ केसेस, और ये मेरी है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस। अब इसको अगर तुम गधे जैसा लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखो फिर पूरा, ये एच हो गया है ना, यहाँ पर एक बार एच हो गया, यहाँ पर एक बार एच हो गया, समझ गए, लिखना चाहते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार जब तुम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे हर केस की, ठीक है क्या, तो उसमें तुमको प्रोबेबिलिटी समान ही मिलेगी, और ये सारे वन वन क्या है, ये वन डिनोट्स फिक्सिंग टेल, है ना, ओनली वन वे, क्योंकि वहां तो टेल आएगा ही आएगा, तो टेल को बस तुमको उठा के रख देना है, तो उसका एक ही तरीका है टेल को उठा के रख देने का, ऐसा समझे। अच्छा वन ना भी लिखो तो चलता है, ठीक, खैर तो इस चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 1/2 की पावर 4, दैट इज 1/16, यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2, देन 1/2 का क्यूब, और उसके साथ रहेगा 4, ठीक, तो दैट विल बी 1/4, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2, इसका क्या मतलब रहेगा भाई, अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ केसेस कैसे काउंट करोगे, अभी तुम्हारे पास दो हेड हैं तो जाहिर सी बात है दो टेल रहेंगे, ठीक। अच्छा दो पोजीशन मेरे को चुननी है और वहाँ पर हेड बिठा देना है, बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पे तो हेड ही रहेगा, तो है ना 4C2 नंबर ऑफ केसेस, क्यों ऐसा, ये चीज़ क्या हो गई, सेलेक्टिंग टू प्लेसेस फॉर हेड्स एंड फिक्सिंग देम, ठीक है, आउट ऑफ 4 पॉसिबल प्लेसेस, समझ रहे हो बात, तो जैसे कभी मैंने ये दो पोजीशन मान लेते हैं चूज की, कभी मैंने ये दो पोजीशन चूज की, ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ, समझ गए। तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे मेरे पास, 4C2, और प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी हर केस की, p² q² ठीक, 4C2 इज नथिंग बट 6, ये हो गया 1/16, दिस इज 3/8, ठीक है बात। अच्छा दीज आर पॉसिबल केसेस, ठीक है। अच्छा अभी देखो, एक्स इक्वल्स टू 3, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी मेरे पास, तुम्हें नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस काउंट करने हैं, तो यहां देखो
H, ठीक है क्या? T, तो उसमें तुम क्या करो, 4C3 से तीन पोजीशन सेलेक्ट करो, सेलेक्टिंग थ्री पोजीशंस आउट ऑफ फोर फॉर हेड्स, और फिर उसके बाद वाला तो टेल ही आएगा, तो उसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा, मैं काउंट मतलब उसको तो एक ही तरीके से बिठा सकते ना वहाँ ऐसा, ठीक है? तो है ना, मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया हाफ की पावर 3, हाफ, समझे? ये चीज़ क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल केस, समझ गए? अच्छा, जैसे यहाँ देखो, तीन प्लेसेस 4C3 जब सेलेक्ट करेगा तो ये तीनों ऐसा सेलेक्ट किया, कभी हो सकता है ऐसा सेलेक्ट करेगा, ऐसा सेलेक्ट करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? वैसे यही एक और पॉसिबिलिटी बचती है, ऐसा सेलेक्ट करेगा, ठीक है? बाकी जगह पर तो तुमको टेली फिक्स करनी है ऐसा, तो मैन्युअली भी काउंटिंग कर सकते हो तुम गधों के समान, अगर ये नहीं समझ रहा है तो, सी ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है तो, ठीक है? ऑल पॉसिबल केसेस, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनता है अपने पास फिर? अच्छा, चार है ना, एक्स इक्वल टू फोर में तो देखो कुछ है ही नहीं करने का, एक्स इक्वल टू फोर में लिखेंगे कैसे इसको, 4C4, चारों पोजीशंस मैंने सेलेक्ट की, चारों पे हेड धर दिया, और इंडिविजुअल केसेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, हाफ 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 हाफ, हाफ चार बार, ठीक है क्या? तो सेलेक्टिंग फोर पोजीशंस आउट ऑफ फोर एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल केस, ठीक? तो ये चीज़ क्या है, वन ही तो आएगी, मतलब चार जगह हैं और चारों जगह तुम्हें चुननी है, तो उसका एक ही तरीका होता है, जैसे मेरे पास दो चीज़ें हैं, दोनों को चुनना है, तो उसका एक ही तरीका है भाई, चुन लो, ठीक है? दो में एक चीज़ को चुनने के दो तरीके हो सकते हैं, 2C1, ठीक? ऐसा, तो बस अब फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, कैसा दिखने लगेगा देखो, ठीक है? क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 4C3 इज 4, 4/16 ये हो जाएगा 1/4, ठीक है? फिर यहां पर 3/8, अच्छा 1/16, 1/4, 1/16, 1/4, फिर है 3/8, 3 के लिए कितना था, आखिरी तो है 1/16, 3 के लिए है 1/4, ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बोल रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, अच्छा, इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई, डाई में एक से लेकर छः तक तुम्हारे पास नंबर्स रहते हैं, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन फोर अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, तो नंबर ग्रेटर देन फोर इस चीज़ का मतलब क्या है कि पाँच या फिर छः आना चाहिए मेरे पास ऑन एटलीस्ट वन डाई, ठीक है?
ना? अच्छा, तो अब देखो, एक्सेस एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ डाई। अच्छा, ठीक है। तो दो बार अगर तुम लेट से पासा अगर फेंकते हो, तो उसमें या तो तुम्हारे पास दोनों ही डाइस में नहीं आएगा 5 6, या तो एक में आएगा 5 6, या तो दोनों में आ जाएगा 5 6। तो ज़्यादा ज़्यादा तुमको सक्सेस कितनी बार, मतलब सक्सेस का जो काउंट है वो कितना होगा? दो बार होगा कि भाई सक्सेस अपने को दोनों डाइस में अगर आ गया तो। ठीक है, तो सक्सेस 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? नाइदर 5 नॉर 6 अपियर्स ऑन एनी ऑफ द डाइस। एक्स इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? 5 और 6 अपियर्स ऑन वन ऑफ द डाइस। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है? 5,6, 5 और 6 अपियर्स ऑन बोथ द डाइस। ठीक है बात। अच्छा, तो यहां देखो, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं तुम्हारे पास वो कितना हो जाएंगे? 36। कैसे काउंटिंग की मैंने भाई? यहाँ पर 6 पॉसिबल केसेस हैं, यहाँ पर भी 6 पॉसिबल केसेस हैं। ठीक, डाइस वन का जो, डाइस वन का जो तुम लिखोगे उसमें, है ना, 6 पॉसिबल ऑप्शंस हैं लिखने के, मतलब नंबर निकलने के। ठीक है, सिमिलरली डाइस टू के लिए भी 6 पॉसिबल ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, है ना? अच्छा, तो 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हैं। नाउ उसमें अपने फेवरेबल कौन कौन से हैं? जैसे अगर एक्स इक्वल्स टू 0 की अगर बात की जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नाइदर 5 नॉर 6, है ना, ये देखो यहाँ पर, नाइदर 5 नॉर 6 अपियर्स ऑन एनी ऑफ द डाइस। तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी? तो देखो काउंटिंग कैसी की जाती है, 5 और 6 नहीं आना चाहिए। तो क्या है मेरे पास यहाँ पर? बचते हैं 4 पॉसिबल केसेस, 4 पॉसिबल ऑप्शंस, 4 में से एक सेलेक्ट किया मैंने, ठूस दिया। 5 और 6 अगर हटा दोगे तो 1 2 3 4, दूसरे में भी 4 पॉसिबल केसेस बचते हैं, तो उसको भी मैंने सेलेक्ट किया और लगा दिया। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे? 16। तुम चाहो तो इसको लिख कर देख सकते हो 16 केसेस को, गधे के बच्चे समान। ठीक है, या तो काउंटिंग कर सकते हो, तो उस चीज़ की काउंटिंग अपन ऐसे कर रहे हैं, ऐसा। ठीक, और उसको लिख के कैसे दिखाएंगे? ये हो जाएगा ना, डाइस वन का जो आउटपुट रहेगा हैज 4 पॉसिबल ऑप्शंस। ठीक, दैट इज इसमें से कुछ आप एक सेलेक्ट करो, और सिमिलरली डाइस टू ऑल्सो हैज 4 पॉसिबल ऑप्शंस। ठीक है, क्या क्या? वही, क्योंकि 5 या 6 तो अपने को आना ही नहीं देना है, और नाइदर ऑफ द डाइसेस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अभी कैसे निकालेंगे? आठ 18 तो 2 4 8, 4/9, ऐसा। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली एक डाइस पर अपियर हो रहा है वो। ठीक, काउंटिंग कैसे करेंगे ध्यान से देखो। 5 या 6 अगर पहले डाइस पर आ जाता है,
ठीक, पांच या छह में से एक तुम चुन लो, ये समझे? अच्छा, दूसरे डाइस पर अपने पास कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है, एक दो तीन चार, तो चार में से एक चुन लिया। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अपने को दो से, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे डाइस में तुम्हारे पास आ रहा हो भाई, ये देखो ना, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे डाइस में तुम्हारे पास पाँच या छः आ रहा हो और पहले वाले डाइस में 1 2 3 4 आ रहा हो, ऐसा समझ गए क्या? तो ये दो पॉसिबल केसेस रहेंगे अपने पास, ये हो गया केस वन, ठीक, ये हो गया केस टू, है ना? अच्छा, तो केस वन का मतलब क्या है? फर्स्ट डाइस हैज 5 और 6। केस टू का मतलब क्या है? सेकेंड डाइस हैज 5 और 6। अच्छा, 2C1 से मैंने क्या किया? सेलेक्टिंग 5, है ना, सेलेक्टिंग 1 अमंगस्ट 5 और 6, यहाँ पर सेलेक्टिंग 1 अमंगस्ट 1 2 3 4, समझ गए? ये चीज़ वही है, सेम, सेलेक्टिंग 1 अमंगस्ट 1 2 3 4, है ना, दिस इज व्हाट, सेलेक्टिंग 1 अमंगस्ट 5,6, समझ गए? ऐसा तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे भाई? 2 टाइम्स 2C1 इंटू 4C1, ऐसा, ठीक है बात? कितना हो जाएगा ये? 2 4 4 4 4 16, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ना ये चीज़ कितनी हो जाएगी? ये हो जाता है अपने पास 16/36, ऊपर निकाला है 4/9, ठीक है बात? अच्छा, इसके बाद अगला सब पार्ट है अगला सब पार्ट देखो, तुम्हारे पास है x इक्वल्स टू 1 हो गया, x इक्वल्स टू 2, इसका क्या मतलब है? मतलब ये दोनों पर 5 और 6 आ रहा है, दोनों पर 5 और 6 अगर आ रहा है तो देखो काउंटिंग कैसे करोगे, ध्यान से देखो, इस पर 5 या 6 आएगा तो दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है क्या? तो 2C1, इस पर 5 या 6 आएगा तो इसमें भी दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ठीक, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, है ना, अपने पास दो छोटे जॉब्स हैं तो दोनों छोटे जॉब्स का 2C1 2C1 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास एक जॉब को, मतलब दो डाइस पर आउटपुट लाने वाली जॉब को, आउटपुट लाने वाली जॉब अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो 2C1 से पहला डाइस, 2C1 से दूसरा डाइस, ऐसा, तो चार पॉसिबल वेज होंगे तुम्हारे पास, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ इन चीज़ों को, सेलेक्टिंग 1 आउट ऑफ 5,6, यहां भी वही सेम, ठीक है बात? अच्छा, तो अभी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? फोर अपॉन 36 दैट विल बी इक्वल टू 1/9, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, किसका एज कितना हो जाएगा? देखो
आखिरी का तो आ रहा है 1/9, फिर हो जाता है ऊपर वाले का 4/9 और 4/9। ठीक, मैनुअल तरीके से तुम बेशक कर सकते हो अगर तुम्हें काउंटिंग केसेस सी ऑपरेटर से समझ में नहीं आ रहा है तो, बट उसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है। बात बस इसकी है कि तुम कितना कंफर्टेबल हो। जैसे हो सकता है अभी नर्सरी का एक बच्चा प्लस माइनस के साथ ही कंफर्टेबल ना हो, तुम कंफर्टेबल हो ना, उसके लिए तो वही प्लस माइनस ही बहुत ही माउंट एवरेस्ट है। तो तुम कितना कंफर्टेबल हो ये डिसाइड करता है कि तुम सी ऑपरेटर यूज़ करोगे या नहीं करोगे। अब कंफर्टेबल कोई ऐसा माँ के पेट से तो होके आता नहीं है, तो उसमें तुम जितना उसकी प्रैक्टिस करोगे अलग अलग केसेस के को लेकर, और अगर कुछ तुमने मन से कुछ केसेस बनाए हैं उसकी काउंटिंग में अगर तुम्हें डाउट आता है तो तुम मुझसे कन्फर्म कर सकते हो पूछकर। ठीक, बट कितना कंफर्टेबल तुम होते हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम प्रैक्टिस कितनी करते हो, तुम में दिमाग कितना है, इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। बेसिक दिमाग सब में होना चाहिए, वो तो बेसिक क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही चाहिए, है ना। तो ध्यान रखो, सी ऑपरेटर के साथ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना उस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। तो वही उन जितने सवाल अभी तक बनाए गए हैं उन्हीं को अगर तुम वापस से बनाकर देखो केसेस काउंट कर करके, ठीक, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एनीवेज, अब बोला जा रहा है, देखो 30 बल्ब हैं मेरे पास, उसमें 6 डिफेक्टिव हैं और 4 बल्ब मैंने ड्रॉ किए हैं एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, है ना। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब एक बल्ब उठाने के बाद वापस से उसको मैं रख देता हूँ। ठीक, तो काउंट मेरे पास एट ऑल टाइम्स 30 का 30 बना हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो है ना, चार, अच्छा 6 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, और इसका मतलब 30 - 6 24 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। ठीक, 4 बल्ब्स को ड्रॉ किया गया है। अच्छा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं आया होगा या तो एक आया होगा या तो तीन आया होगा, तो चारों के चारों डिफेक्टिव आ गए होंगे। एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो तो ये बन जाती हैं। अच्छा, अभी देखो जो तुम्हारे पास डिफेक्टिव बल्ब आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, भाई डिफेक्टिव बल्ब 6 है मेरे पास और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं 30, तो ये हो गया 1/5। जाहिर सी बात है नॉन डिफेक्टिव फिर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने पास, इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको Q बोल देता हूँ, अच्छा है ना, इसको Q बोल देता हूँ। ठीक, दिख तो रहा है ना ऐसा। ठीक, नाउ x = 0 का मतलब क्या है, ये वाले केसेस पहले अपने को काउंट करने पड़ेंगे। मतलब कोई डिफेक्टिव आए ही नहीं, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव आ गए। ठीक, तो नॉन डिफेक्टिव को लेट से मैं D डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। डिफेक्टिव बल्ब लेट ऐसा, इसका मतलब क्या, सिचुएशन क्या है, देखो काउंटिंग कैसे करूँगा, नॉन डिफेक्टिव बल्ब आए सारे के सारे, D डैश D डैश D डैश D डैश ऐसा। तो इसमें केसेस तो कुछ बनेंगे नहीं, चार पोजीशन है, चारों की चारों उठा के धर दो, समझ गए क्या, चारों की चारों उठा के धर दो और सब पे नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स रख दो, हो गया ख़त्म। और सबकी प्रॉपर्टीज तो अपने को पता ही है, क्यू की पावर, नॉन डिफेक्टिव है ना सारे के सारे, तो क्यू की पावर हो गया 5, ये चीज़ हो जाता है 1/5 की पावर, सॉरी 4 है ना, 1/5 की पावर 4, दिस विल बी 1/25 25 6 25। ठीक ऐसा, है ना, ओनली वन पॉसिबल केस इज देयर। ठीक, अच्छा तो ये 4C4 क्या किया मैंने, सेलेक्टिंग 4 पोजीशंस, एंड प्लेसिंग ऑल नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इन दोज पोजीशंस। ठीक,
वन वे ही होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस ही अपने पास चार हैं, ठीक। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी, अरे प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली निकाल लिया यार अपन ने तो, ठीक है डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अच्छा ठीक है, अभी देखो एक्स इक्वल टू वन का मतलब एक डिफेक्टिव है, समझे, बाकी सारे नॉन डिफेक्टिव रहेंगे, एक डिफेक्टिव। एक्स अपन ने क्या माना है, ध्यान रखना एक्स इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है ना, ध्यान रखो। तो एक डिफेक्टिव है मेरे पास, तो केसेस कैसे बनेंगे, ऐसा कुछ डी डैश डी डैश डी डैश, इसमें और पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, 4C1, ठीक। ये 4C1 से बेसिकली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पोजीशन, पोजीशन सेलेक्टिंग वन पोजीशन आउट ऑफ फोर फॉर डिफेक्टिव बल्ब, है ना, ठीक है। अच्छा और बाकी सारे तो नॉन डिफेक्टिव वाले फिक्स हैं ऑलरेडी, तो उनको वैसी का वैसे ही रख दे रहा हूँ, ठीक। जैसे अलग अलग केसेस यहाँ पर क्या बनते हुए दिखाई देंगे, देखो डिफेक्टिव बल्ब के लिए एक पोजीशन ये आएगी मान लेते हैं 4C1 से, एक पोजीशन ये आएगी 4C1 से, एक पोजीशन ये आएगी 4C1 से, बाकी के सारे नॉन डिफेक्टिव के लिए तो फिक्स है, ठीक है। तो उसके वो है ना, वो तो वन वे से ही तुम उसको रखोगे, तो इंटू वन चाहे तो तुम लिख सकते हो, इंटू वन इंटू वन इंटू वन, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है अपने पास, इंडिविजुअल केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डिफेक्टिव की हो गई पी, है ना, और नॉन डिफेक्टिव की हो गई क्यू, ऐसा। तो ये चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना है भाई, पी और क्यू की वैल्यूज़ क्या क्या है, 1/5 एंड 4/5 की पावर 3, तो ये चीज़ हो जाती है 4। अरे बाप रे बड़ा नंबर है बाबा, कितना हो जाएगा। अबे ये तो 4/5 है यार, तो 4×4=16, 16×16=256 होगा, सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ भी वही होगा 256/625, ठीक। अच्छा हुआ ये तो दिख गया, क्यू की पावर 4 है ना, मेरे को वही कन्फ्यूजन ही हुआ कि कौन सा पी कौन सा क्यू है, क्यू तो हमारे पास 4/5 है, ठीक है। अच्छा है ना, नाउ अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू टू बोलने का मतलब दो डिफेक्टिव आए हैं अपने पास, है ना, दो डिफेक्टिव आए। अच्छा तो रखे होंगे कुछ ऐसे, दो नॉन डिफेक्टिव आए हैं, ठीक। अच्छा दो डिफेक्टिव अगर आए हैं तो पहले उसको पोजीशन, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनेंगे, जैसे भाई ऐसा भी केस बन सकता है, ऐसा भी केस बन सकता है, ठीक है। तो अपने को पहले काउंट करने कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, तो वो हो जाएगा मेरे पास 4C2, ठीक। इतने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे और इंडिविजुअल केस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये चीज़ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक, तो 4C1 है ना विल बी टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं अपने पास, यहाँ देखोगे ध्यान से, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं, 4C2, ठीक है, है ना। दीज आर व्हाट, सेलेक्टिंग, या फिर इसको ऐसा लिखो, टोटल नंबर ऑफ केसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस क्या बनेगी मेरे पास, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, ठीक। तो वो चीज़ हो जाती है 4C2 यानी हो गया 6, और पी का स्क्वायर हो गया, पी कितना है यार, पी है 1/5, ठीक है। तो 16/6=96, नीचे का डिनोमिनेटर तो फिक्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। 4C2 क्यों किया अपन ने, सेलेक्टिंग टू पोजीशंस आउट ऑफ 4 फॉर प्लेसिंग
डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है बात। अच्छा, इस तरह से आगे भी और प्लेसेस आएंगी, ठीक है, टोटल 6 पॉसिबल केसेस तुम्हारे पास बनेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल केस, सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही आ रही है, ठीक, इंडिविजुअल केस की प्रोबेबिलिटी इतनी है, क्लियर है बात। अच्छा, इसके बाद देखो, एक्स इक्वल टू 3 का क्या मतलब रहेगा, मतलब 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, 3 डिफेक्टिव बल्ब्स को काउंटिंग कैसे करेंगे, डी 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 डैश। तो बाकी अदर केसेस क्या बनेंगे, जैसे ये देखो डी 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 डैश इधर ऐसे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस तुम कैसे काउंट कर लोगे इसको, 4C3 से बराबर सेलेक्टिंग 3 प्लेसेस आउट ऑफ 4 फॉर प्लेसिंग डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक। अच्छा, तो 4C3 से टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, डिफेक्टिव का है तुम्हारे पास कितना, अबे यार डिफेक्टिव का है पी, ठीक है, पी क्यूब क्यू, तो ये चीज़ हो जाती है 4C3 इज 4, पी क्यूब हो जाता है तुम्हारे पास 1/5 का क्यूब, क्यू हो जाता है अपने पास 4/5, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास 16 6 25, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा, है ना, ये हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक, दीज आर टोटल नंबर ऑफ केसेस। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस, ठीक। अच्छा, एक्स इक्वल टू 4, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई, है ना, 4C4 से पहले तो चारों के चारों भर दिए अपन ने, ठीक, चारों के चारों ही डिफेक्टिव हो गए, क्लियर है। तो 4C4 अगर ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही तरीके से तुम चारों डिफेक्टिव चूज़ कर सकते हो, चारों के चारों अपन ने डिफेक्टिव कर दिए तो। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल केस कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, डिफेक्टिव का है पी, ठीक है, की पावर 4, दैट विल बी 1/5 की पावर 4, दैट विल बी इक्वल टू 1/625, क्लियर बात। अच्छा, तो बस है ना, ये क्या है, सिलेक्टिंग 4 प्लेसेस आउट ऑफ 4, ठीक है। ना ये हो गया फिर नंबर ऑफ केसेस, ये हो गया तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल केस, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, हो जाता है, देखो ये हो जाएगा 256 6 25, 256 दो बार, फिर 96 16 और 1,
दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखो। बोला जा रहा है कॉइन इज बायस्ड। बायस्ड का मतलब हेड आने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज थ्री टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल्स। अगर चार बार अपन उछालते हैं उस सिक्के को तो तीन बार उसमें हेड आने की, तीन बार वो हेड आएगा और एक बार वो टेल देता है, ऐसा थ्री टाइम्स मोर लाइकली। ठीक, तो थ्री टाइम्स मोर लाइकली मतलब तुम समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज थ्री टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अपने को ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है, वन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दोनों इक्वेशंस को जैसे ही तुम सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3/4, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये चीज़ आ जाएगी 1/4। ठीक, तो इसको कह लेते हैं लेट्स से पी और इसको कह लेते हैं लेट्स से क्यू, ऐसा। ठीक है, अच्छा अब कॉइन को दो बार उछाला जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो एक्स है मेरे पास, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यहां पर तुम देखो दो बार अगर तुमने उछाला है तो टेल्स कितनी बार आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो ही बार आ सकता है। ठीक, हो सकता है कि नंबर ऑफ टेल्स हो जाए 0, हो सकता है नंबर ऑफ टेल्स हो जाए 1, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ टेल्स हो जाए 2। दोनों बार तुम्हारे पास नंबर ऑफ टेल्स आ जाए। ठीक, अच्छा तो x इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, पहले तो इसके केसेस तुमको काउंट कर लेने चाहिए, है ना, कितने केसेस बनेंगे। तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया HH, तो HH का तो खैर कोई नंबर ऑफ केसेस काउंट करने की क्या ज़रूरत है, मतलब इसमें तो एक ही केस बन रहा है तुम्हारे पास, इसकी काउंटिंग वगैरह की तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे पास पी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 9/16। ठीक, अच्छा अभी देखो इसमें ओनली वन पॉसिबल केस, ठीक है, इसीलिए कुछ मैं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ सी ऑपरेटर से, ओनली वन पॉसिबल केस। ठीक, अच्छा इसके बाद देखो एक्स इक्वल्स टू 1, इसका मतलब एक हेड आएगा, तो जाहिर सी बात है एक हेड अगर आ रहा है तो दूसरा टेल, समझ गए, या फिर टेल और हेड, ऐसा कुछ दो पॉसिबल केसेस हैं। ये भी तो ऐसा मैनुअली काउंट हो रहा है यार, अगर तुम सी ऑपरेटर से काउंट करना चाहते हो तो दो में से एक, है ना, हेड या टेल में से चुनो और फिर बाकी तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, तो उसको चुनने का एक ही तरीका रहेगा तुम्हारे पास, समझ गए। जैसे हेड या टेल अगर तुमने चुन लिया तो अगला तो ऑटोमेटिकली फिक्स है ना, ठीक है, अगला ऑटोमेटिकली फिक्स है। तो यहाँ हो जाता है तुम्हारे पास 2c1 मल्टीप्लाइड बाय, या तो फिर मैनुअली भी देख सकते हो, अच्छा हेड का हो गया P और टेल का हो गया Q, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ हो जाती है 2 × 3/4 × 1/4, ऐसा। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगी अपने पास 3/8। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 2 पर आते हैं, इसका क्या मतलब है दोनों टेल, ठीक है, दोनों टेल में भी कोई अपने पास ऑप्शंस तो है नहीं। ये तो यार बहुत ही चवन्नी सवाल निकला है, इसमें कुछ केसेस वगैरह काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बल्ब वाला सवाल अच्छा था जिसमें केसेस काउंट करने पड़े थे, जैसे अगर कॉइन को अगर तुम चार बार अगर टॉस करते तो उसमें थोड़ा ठीक था, केसेस काउंट करने की नीड पड़ रही थी, इसमें तो कुछ केसेस वगैरह काउंट करने की नीड ही नहीं पड़ रही। तो यहाँ भी ओनली वन पॉसिबल केसेस पॉसिबल है, ओनली वन पॉसिबल केस। ठीक है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। ठीक, तो 1/16, 3/8 और 9/16, ठीक, अच्छा अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखो एक रैंडम वेरिएबल, अच्छा ये तो अपना फेवरेट टाइप का सवाल है, ठीक है क्या,